नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का उपयोग एंजाइना को रोकने के लिए और एंजाइना को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंजाइना अटैक होने पर हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से छाती में दर्द होने लग जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट शरीर में ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है, जिसकी वजह से हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एंजाइना को रोकने व ठीक करने में मदद करती है। नाइट्रोग्लिसरीन एक सॉल्ट नेम है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट 2.5 mg, 2.6 mg, 6.4 mg और 6.5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर कम होना, दिल की धड़कन का तेज होना, हाथों व पैरों में जलन होना और हाथों व पैरों में सुई चुभने जैसी संवेदना होना आदि साइड इफेक्ट्स नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर डॉक्टर नाइट्रोग्लिसरीन 2.5 mg से लेकर नाइट्रोग्लिसरीन 6.5 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होने पर, शरीर में गंभीर खून की कमी होने पर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा होने पर और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं के साथ नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।